नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में विकास के दावे करते हैं तो उनके मंत्री जिस जगह पर पहुंचते हैं वहां गुस्सा के शिकार हो जाते हैं। यह दावे हम नहीं कर रहे हैं बल्कि बिहार सरकार के मंत्री बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं विनोद नारायण झा को आज भारी फजीहत झेलनी पड़ी है। यह फजीहत उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में झेलनी पड़ी है। दरअसल हुआ ये कुछ यूँ कि वो एक कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए वहाँ पहुँचे थे लेकिन स्थानीय लोगों का जो गुस्सा था वो काफ़ी ज़्यादा था। 2015 का चुनाव हारने वाले विनोद नारायण झा बिहार में जब महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए और NDA की सरकार बना रहे थे तो उस समय वो BJP के तरफ से बिहार सरकार में मंत्री बन गए उस कोटे से। हालांकि वो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, BJP ने उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया था। उसके बाद से जैसे ही NDA की सरकार बनी विनोद नारायण झा मंत्री बन गए। विनोद नारायण झा आज अपने क्षेत्र में पहुँचे थे लेकिन वहाँ जो लोग थे वो काफ़ी गुस्से में थे। पिछले कई सालों से उस इलाके का विकास नहीं हुआ था, लोगों के मन में हमेशा गुस्सा था। वहीं मंत्री विनोद नारायण झा जब चुनावी साल में अपने इलाके में जब उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे थे तो लोगों का गुस्सा फूट गया। तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री को आज भागने की नौबत आ गई। ये वही मंत्री हैं जब सत्ता में थे, जब बिहार के PhD डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। ऐसे में उनसे जब मीडिया के लोग जब बातचीत करते थे तो ये बातों को टाल देते थे, सीधी मुंह बात तक नहीं किया करते थे। ऐसे में इनकी जो वोटर हैं जिस जगह पे गए तो वहाँ के लोगों का भी अमूमन यही शिकायत था कि जब से ये सत्ता में आए हैं, जब से मंत्री बने हैं, ये लोगों से बात तक ठीक से नहीं करते हैं। लिहाजा गुस्सा काफ़ी ज़्यादा था और आज मंत्री जी को अपने क्षेत्र में देखते ही स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। हालांकि मंत्री जी लाख कोशिश करते रहे कि वो लोगों को समझा सके, लोगों को बता सके कि वो उनके विकास के कामों को करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन लोगों का जो गुस्सा था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। घंटों मशक्कत के बाद आखिरकार मंत्री विनोद नारायण झा को वापस आना पड़ा। बिहार सरकार में फिलहाल PhD मंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले विनोद नारायण झा बिहार BJP कोटे से मंत्री हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य BJP से, लेकिन 2015 का वो चुनाव भी लड़े थे, चुनाव हार गए थे और अब ऐसे वक्त में जब चुनावी साल है, सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए पहुँच रहे हैं, जनता उनसे सवाल पूछ रही कि आखिर आपने इतने सालों तक क्यों नहीं क्षेत्र का दौरा किया, क्यों नहीं विकास की जो बातें आप करते आ रहे हैं उसे टटोलने की कोशिश की, आपका विकास कहाँ रहा कि अब जब चुनावी साल है, कुछ महीनों में जब सरकार नई बनने वाली है, ऐसे में आप उद्घाटन और शिलान्यास करने आते हैं, लिहाजा फजीहत तो आपको झेलनी पड़ेगी। विनोद नारायण झा कि ये तमाम तस्वीरें बेनी पट्टी से निकल के सामने आई है, उन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, खुद देखिए और सोचिए नीतीश कुमार के विकास के दावों की हकीकत क्या है कि उनके मंत्री को स्थानीय लोग घेर लेते हैं और उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ता है। सही बात है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक उद्घाटन नहीं होगा। देखिए ये गांव मुख्य रूप से मैंने लाया, क्योंकि एक गांव मुखिया को जा रहा था, बिहार पंचायत हमने मंत्री के पावर से हमने 3 पंचायत यहाँ लिया है, मंत्री के पावर से हम लिए हैं नरार, सिरसोलिया और झंडा। ये पंचायत मुखिया का था लेकिन हमने एक एक पंचायत में 5-5 करोड़ रुपया विभाग में मंत्री की हैसियत से दिया है, नरार को, सिरसोलिया को और झंडा को। ये मधुबनी जिला में बहुत कम कर रहे इसलिए हमारी इच्छा यही है कि सिरसोलिया पंचायत, गंगा पंचायत और नरार पंचायत, हर घर नल बिहार सरकार के पैसा से मिले, पंचायत का 1 रुपया खर्च नहीं हो जी। लेकिन ये सही है कि जब ये नहीं हुआ है गांव में तो सिर्फ 1 वार्ड के उद्घाटन की कोई जरूरत नहीं है, जब पंचायत गांव पूरा हो जाएगा तो अरे उद्घाटन नहीं भी करेंगे तो पैसा मैंने दिया है, मुखिया का पैसा नहीं। उद्घाटन से जरूरी है कि इन तीनों
पंचायत को जो बिहार सरकार ने 15 करोड़ रुपया दिया है उसके लोगों को पानी पहुंचे, तो ये धरखड़ी जरूर हो गई कि आचार संहिता लगने वाला है नाम लगा के, लेकिन हमको पता होता कि लोगों ने बहुत जगह नहीं लगा है, हम अभी छोड़ देते इसको, इसीलिए आज उद्घाटन नहीं होगा। अब हम दोबारा आएंगे जब पूरा गांव का हर घर में नल लग जाएगा और हमको यहां से खबर जाएगी, यही नौजवान खबर करेंगे कि अब लग गया है, ये हमने अपने पैसे से कराया है बिहार सरकार। मुखिया हर गांव में मुखिया, बगल में जाइएगा परजुआर मुखिया कर रहा है, बगल उसके बगल में जाइएगा मुखिया कर रहा है, लेकिन हम ये बिहार सरकार का पैसा दिए हैं, इसलिए हमको बहुत दर्द है कि ये हर जगह लगेगा तभी करेंगे, इसलिए हम इन लोगों के बात का सपोर्ट करते हैं कि हर घर में नल लगेगा। अब आपके विभाग के जरिए आते हैं, अलग अलग में कर रहे हैं, हमको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम के लिए हम सब घर में पहुंचे।